हमारी मेन करेक्टर लिंडा को उसका हस्बैंड एडल्ट फिल्में करने के लिए मजबूर कर रहा था। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको लिवेंस 2013 रियल स्टोरी ट्रू स्टोरी मूवी हॉलीवुड मूवी देखने वाले हैं। इस मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और सेंटेंस आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंडा अपने घर पे आई है और तभी हम देखते हैं कि अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही होती लिंडा, जो कि हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। लिंडा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगती है और वह काफ़ी परेशान रहते हैं। तभी हम देखते हैं इसके फ्लैशबैक में लिंडा की फ्रेंड और लिंडा आपस में बात करें तो वो स्विमिंग पूल पे बैठी हुई थी और उन्होंने अंडरवियर अपना उतार दिया था, लेकिन उसकी फ्रेंड ने लिंडा इस बात से काफ़ी हैरान हो जाती है उसकी फ्रेंड ने। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर पर जॉब से कुछ जल्दी आ जाती है और लिंडा को काफ़ी ज़्यादा मारती है और चिल्लाती है। और लिंडा आज एक पार्टी में जाती है और लिंडा और पेसी देखती हैं कि पार्टी में डांस चल रहा होता है, लेकिन उस डांस में कोई लड़कियां ज़्यादा भाग नहीं ले, तो इसी के कारण वहां देखते हैं कि पेसी उसमें चढ़ जाती है डांस पर। तभी वहाँ कुछ देरी बाद लिंडा भी उसमें शामिल हो जाता। अभी देखते हैं कि एक और हमारा मैन करेक्टर जिसका नाम चक है, जो कि लिंडा को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि लिंडा से बात करता है, कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, इस डांस के लिए तुम लोग को पैसा, लिंडा कहती है हम लोग को कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। चक कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तभी उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। लिंडा को चक काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिंडा की मदर आज जाती है लिंडा पार्टी में। लिंडा से सारे चीज़ पूछ लेती है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो सब कुछ लिंडा उसे अपनी मदर को बता देती है। एक्चुअल में चक का और लिंडा का डेट था और वो दोनों डेट में पार्टी कर रहे होते हैं उन दोनों। तभी हम देखते हैं कि लिंडा को चक काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिंडा काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं कर रहे होते, इस बात से चक को काफ़ी बुरा लगता है। चक कहता है कि तुम क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड, कोई दिक्कत है? तभी चक कहता है कि तभी लिंडा बताती है कि मेरी मदर और फादर तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स। तभी कहते हैं कि तुम्हें देख के, तभी चक उससे शर्त लगाता है कि मैं ऐसा ही जादू मारूंगा, तुम्हारे फादर और मदर दोनों मुझे लाइक करेंगे तो तुम मेरे साथ एक रात बिताना, और लाइक करेंगे जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। तभी दोनों आपस में मान जाते हैं, यहीं पर इंटीमेट भी हो जाते। तभी हम देखते हैं आज पहली बार चक उनके फादर के पास आया। फादर से बताता है चक कि मैं आर्मी, एक्चुअली वो आर्मी में नहीं था और उसके फादर लिंडा के आर्मी थे, इसीलिए वह इम्प्रेस जमाने के लिए आर्मी। तभी मदर लोग टीवी देख रहे थे पेरेंट्स, तभी दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंडा के साथ चक जाता है मूवी देखने के लिए, यहाँ पर वो अपने रूम पर ले आके लिंडा के साथ इंटीमेट भी होता है और लिंडा के मुँह पर एक ग्रास था और ग्रास से काफ़ी ज़्यादा लिंडा परेशान रहती, इससे चक को कोई फर्क। तभी लिंडा काफ़ी देर आती है घर पे, तभी उसकी मदर ने उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की। मदर से वह गुस्सा एंग्री होकर वहाँ से मदर के साथ से वहाँ चली जाती। तभी हम देखते हैं कि वह चक के साथ रहने लगती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड पेसी भी आए। पेसी एडल्ट फिल्म में चक देख रहा होता है और चक सोचता है कि पेसी को किस करूँ, लेकिन पेसी उसे हटा देती है, अपने आप से दूर खड़ी हटा देती है और वह कहती है कि चक के पास मत जाओ लिंडा। तभी लिंडा जाती है चक, चक एडल्ट फिल्म में देख रहा होता है, लिंडा को बताता है कि तुम ऐसा कर सकती है। लिंडा बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसा अच्छा नहीं। तभी चक उसके साथ जैसे फिल्म में होता है एडल्ट फिल्म में वैसे ही करता है और लिंडा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिंडा चक को मनाने के लिए ऐसा करती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा अपने आपस में घुल मिल जाते हैं और दोनों हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं चक लड़कियों के प्रोस्टिट्यूशन करता है, उसे जेल में ले जाया जाता है। तभी लिंडा पूछते तुम ऐसा क्यों करते हो कौन सा। तभी यहाँ पे देखते हैं चक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, कहता है कि तुम मेरे काम में दखल मत दो, मेरे बारे में कुछ पूछो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मेरे काम के बारे में कुछ पूछना मत। तभी लिंडा कहते हैं ऐसे ही मैंने पूछ लिया था। तभी चक कहता है
हम दोनों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हम लोग को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चक उसे समझाता है कि तुम्हें कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। तभी उसे एक अडल्ट फिल्म के लिए इंटरव्यू के लिए ले जाता है और तभी हम देखते हैं कि अडल्ट फिल्म में इंटरव्यू में वह डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि चक उसे उन लोग को अपने जो इंटीमेट होता था उसका एक वीडियो बनाया होता है और सभी लोग को इंटीमेट वाला वीडियो दिखाने को बोलता है और वो वीडियो देख लेते हैं। कहते हैं कि ये तो काफ़ी गजब है, काफ़ी अच्छा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उसे उसमें जॉब मिल जाती है एडल्ट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टर आया हुआ है और वह मूवी के लिए खर्च करने के लिए, और वह देखता है कि लिंडा से कहता है तुम्हारी फिल्में काफ़ी अच्छी जाएंगी, तुम काफ़ी बड़ी सुपरस्टार। तभी चक लिंडा के ग्रस छुपा रहे होते हैं मेकअप वाले, लेकिन उससे ग्रस को छुपाने के लिए मना करते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रस को काफ़ी, तभी वहाँ पर हीरो आया हुआ है और हीरो जो कि हैरी है, हीरो काफ़ी ज़्यादा लिंडा के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी इंजॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं हीरो को आज पहली सूट मिलने वाली होती है और तभी हम देखें एंथनी लिंडा के ऊपर देखता ही रहता है। तभी आज मूवी शूटिंग होने वाली थी, तभी एक आदमी जाकर जिसका नाम बुची था चक को कहता है जाओ मूवी के लिए रील्स लेके आओ, लेकिन यहाँ पे चक मानता नहीं, लेकिन चक को बुची कहता है जाओ। तभी तभी उन लोग काफ़ी ज़्यादा उसकी लिंडा के शरीर को देख काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन यहाँ पे हीरो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिंडा के साथ हैरी बातें करता, तभी वहाँ पे चक आ जाता है। एंथनी कहता है कि काफ़ी गजब का सीन हुआ है और उसे मूवी से ज़्यादा पैसे मिलने वाले होते। तभी देखते हैं फोटोग्राफर लेरी लिंडा को काफ़ी अच्छे से समझाता है, कहता है जैसे तुम्हें शूटिंग होने वाला है वैसे ही तुम अपने आप को फील करो। तभी उसकी गजब सी फोटो लेता है, लिंडा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उस फोटो को देखकर, लिंडा का भी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि चक और लिंडा बात कर रहे हैं, तभी वहाँ पर एंथनी भी आया। एंथनी से चक कहता है कि आज तुम लोग मूवी में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे, हम लोग को पैसा काफ़ी कम दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं चक एक मूवी देखने के लिए आया हुआ है। तभी यहाँ देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाइट होता है और वह चक से काफ़ी ज़्यादा लिंडा परेशान हो जाती है और चक जो था आज वह सुपर स्टार हो जाए। तभी वह देखते हैं पिनर से मिलती है लिंडा, यह पिनर उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहता था, लेकिन उसको मूवी थिएटर में कह नहीं सकता था और यह पिनर उसे लाइक करने लगता है। यह पिनर से बेटी है। तभी हम देखते हैं कि लिंडा अपने मूवी के बुक के बारे में जो बता रही है सही है गलत है उसके जांच कर रहे होते हैं सभी लोग, इसीलिए उसे एक बिटीरियर में रखते हैं, बिटीरियर में उसकी जांच कर रहे होते हैं सही है गलत। तभी वह देखते हैं कि अगले सीन में लिंडा और चक लिंडा दोनों के साथ चक ने जब शादी आपस में काफी ज्यादा फाइट होती है, क्योंकि चक को पैसे के लिए लिंडा को हर एक मूवी में जबरदस्ती काम करा रहा होता है, इससे लिंडा को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं, मांगता नहीं, चक काफी जल्दी लालची होता है और चक नहीं मांगता और गन से उसे धमकाता है। तभी हम देखते हैं उसे एक आज पार्टी में लाया, उसे आज डॉक्टर मिलता है और डॉक्टर से चक काफी ज्यादा पैसा लेता है और तभी डॉक्टर लिंडा से काफी ज्यादा लाइक करता है, डॉक्टर के साथ लिंडा को इंटीमेट फिल्म भी होना पड़ा। तभी देखते हैं चक से लिंडा काफी ज्यादा परेशान रहती है, चक जो कि काफी ज्यादा। तभी वह लिंडा अपने मर्दर के पास आ जाती है, चक से हैरान होकर उसकी मदर कहती है तुम क्यों यहाँ पे आए, उसकी वो चाहती थी बेचारी कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, उसकी मदर यहाँ पे उसे रुकने नहीं देती है और उसे कहती है कि जो हस्बैंड कहे वही तुम्हें करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। तभी देखते हैं कि उसकी मदर मानती नहीं और वह बेचारी लिंडा रोने लगती है, मैं ये कराते के लिए यहाँ पर रहनी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अपने पति को तुम्हें खुश रखना चाहिए, सोचती है जो भी कहता है तुम्हें करना चाहिए, मुझे छोड़ दिया था, बात को लेकर उसकी मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसके कारण मुझे काफी समाज में प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी और तुम्हारे फादर यहाँ पे नहीं थे, सब बात को वहाँ पे चक को मदर ने उसे ले जाने के लिए कहती है, घर आने पर चल उसे कहता है तुम अब एक मूवी करोगे, हमें फाइट होती है, मैंने तुम्हारे लिए पार्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसे कहता है एक और
धमका हुआ शूट कराने इसके बाद हम लिंडा को मूवी सेट पर रोता हुआ देख सकते हैं। शूटिंग के दौरान वह रोने लगती है और उसके साथ बेचारी के साथ हमने प्रीवियसली देखा था कि लिंडा ने चक को एंथोनी के पास आकर बैठने के लिए मना कर दिया था। उस रात चक लिंडा को बहुत मारता है। एक दिन लिंडा अपने फ्रेंड पैट्सी से मिलने के लिए गई हुई थी। चक भी उसके साथ तुम्हारे लिए ये सब मूवी इसी वजह से तभी पैट्सी ने कहा कि वो नहीं है। चक बहुत ही वियर्ड है, उसकी बातें सुन रहा है, कुछ करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। लिंडा कहती है बाहर आकर चक ये सब बातें सुन रहा था। अच्छा तो लिंडा डर कर कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि चक मेरा हस्बैंड है। एक दिन पार्टी में चक एंथोनी के साथ पैसों को लेकर बात कर रहा था। एंथोनी ने कहा कि मैंने ऑलरेडी लिंडा से बात की हुई है, अगली मूवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला हूँ। लिंडा ने चक को इसके बारे में बताया नहीं था, उसे बहुत मारता बता देता है। चक ने इनके मूवी के स्पॉन्सर से पैसे लेकर अपने लिए घर वगैरह भी बाय कर लिया था। एक आदमी उसके कांटेक्ट में आया था जिसके साथ मिलकर वो टॉयज वगैरह सेल कर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था। जबरदस्त लिंडा की एक फेक बायोग्राफी लिखना भी वो स्टार्ट करते सामना कराता है। एंथोनी चक के पास आकर उसके पैसे फिर से वापस मांगता है। चक ने कहा कि थोड़े दिनों में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। एंथोनी कहता है कि लिंडा को सिर्फ और एक मूवी करने के लिए मना कर, पैसों के बारे में तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंडा की मूवी का जब प्रीमियर हुआ तो ह्यू हेफनर भी सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इन सब बातों से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एक रात घर आने पर अपने पेरेंट्स को कॉल लगा दिया। उसके फादर कहते हैं मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता है, मैंने तुम्हें ये सब करता मैं देख नहीं सकता, क्या तुम्हारी परवरिश में हमसे कुछ गलती हो गई लगती है। ये सब सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगा। फादर कहते हैं जब लिंडा से कहता है अब तुम्हें और एक मूवी करनी पड़ेगी। लिंडा इस बात को मान नहीं रही थी। उसने कहा कि चलो हमें एक और पार्टी में जाना। और तुम्हें उसे एक होटल रूम में गया और वहाँ पर उसका सौदा किया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। लिंडा को उसने गन लगा कर धमकाया। सब मिलकर लिंडा को जबरदस्ती कर रहा है। एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था। ये जब घर पहुंचे तो लिंडा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। चक ने उसे रोक लिया। नीचे गिर कर वो हर्ट हो गई। वहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही थी। वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो। पुलिस ऑफिसर ने लिंडा को पहचान लिया। चक कहता है इसका हस्बैंड हम अब घर ही जा रहे हैं। नहीं पाती है, लिंडा डर कर कुछ भी कह नहीं पाती। पुलिस ऑफिसर ही लिंडा को ऑटोग्राफ ले लेता है। सुबह होने पर चक जब सोया हुआ था तब लिंडा वहाँ से भाग के डायरेक्टली एंथोनी के पास है। एंथोनी कहता है तुम्हें सिर्फ और एक मूवी करनी है, उसके बाद तुम इंडिपेंडेंट जी सकोगे। लिंडा ने उसकी सारी सिचुएशन उसे समझा दी। कहती कि अब मैं और एक मूवी नहीं कर सकता। एंथोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर्ट करेगा। उसने उसे रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह दी। चक लिंडा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली एक होटल में उसे लिंडा के बारे में पता चल गया। रात में गन लेकर लिंडा के रूम में आया, पर ये रूम एंथोनी का था। एंथोनी ने ऑलरेडी रूम को शिफ्ट कर दिया था। वो कहता है कि तुम अब कभी भी लिंडा के पास नहीं जाओगे। उसने उसे बहुत मारा। इसके बाद 6 साल गुजर गए थे। लिंडा अब एक्चुअल में अपनी बायोग्राफी लिख रही थी। उसका हमें घर दिखाया जाता है जिसमें उसका हस्बैंड और एक छोटा सा बेटा था। उसे पब्लिशर से कॉल आया था, उसकी स्टोरी अप्रूव हो गई थी। लिंडा के हस्बैंड ने कहा क्या तुम सचमुच में ये सब करना चाहते हो या गलत। लिंडा कहती कि मेरी स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए। लिंडा की बुक फेमस हो गई और उसकी टीवी पर इंटरव्यू आती है। लिंडा से पूछा जाता है कि जब ये सब चल रहा था तब उसने क्यों आवाज नहीं उठाई। लिंडा कहती कि सोसाइटी में हमें बताया जैसा हमारा पति का है वैसे ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू लिंडा की मदर सुन रही थी। ये बात मदर ने उसे कही थी। उस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस होता है। लिंडा ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी। वो एक चीज मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकती। यही मैसेज अपने बुक से वो देना चाहती थी। इतने साल लिंडा के पेरेंट्स ने उससे बात नहीं की थी। उस इंटरव्यू के बाद वो लिंडा को घर पर बुला लेते हैं। एक दूसरे को गले लगा कर ये सब बहुत रोए। फिर से एक फैमिली वो बन चुके थे। इसी एक मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। लिंडा की मूवी ने $600 मिलियन कमाए थे जिसमें से उसे सिर्फ $1,250 मिले। उसकी बुक बहुत फेमस हुई थी। चक को बाद में हार्ट अटैक आकर उसकी डेथ हो गई थी। ये मूवी हमें बता कर जाती है कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं है, सब कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, पर फिर भी वो टाइम निकल जाता है। इसके बाद हमारे लाइफ में हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। कभी भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देर नहीं होती। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट